Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. So the chapter which we are going to discuss today is of class 8 physics chapter 17 refraction and dispersion of light. So इस चैप्टर पे मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुकी हूँ. सो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उनको पहले चेक कर सकते हैं. और लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था, दैट इज द वर्किंग ऑफ आई. सो बेसिकली उस पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप ईजिली याद कर सकें जो हर पार्ट है आई का, लाइक what is cornea, function of cornea, then iris, then pupil, and then ciliary muscles, retina, jitne bhi rod and cone cells, nerve cells and the optic nerves, each and everything ka jo function hota hai, wo maine ek note prepare kar diya hai. और वो जो नोट्स हैं, दे आर वेरी इजी एंड सिंपल टू लर्न. सो वो मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे. तो मैं अपने वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं. सो हमने वर्किंग ऑफ आई में पढ़ा था कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो आपकी आंखों में एंटर करती है, और जब वो एंटर करती है तो जो लेंस है उसके द्वारा वो लाइट जो होती है वो कन्वर्ज करवाई जाती है, मीट करवाई जाती है. और वो जो लाइट रेज हैं वो आके आपकी रेटिना पे मीट करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट की इमेज है आपके रेटिना पे फॉर्म होती है. और रेटिना में नर्व सेल्स होते हैं, जो कोन और रॉड सेल्स होते हैं, जो कि इमेज को सेंस करते हैं, और उसके बाद वो सेंस करके ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, और ब्रेन फिर उस इमेज को इंटरप्रेट करके आपको बताता है कि आप ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट देख रहे हैं. नाउ आपके इस रेटिना पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है. सो अगर हम ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बात करते हैं, तो ब्लाइंड स्पॉट को कहते हैं द एरिया ऑफ नो विजन. मतलब कि उस पर्टिकुलर ब्लाइंड स्पॉट पे अगर कोई इमेज फॉर्म हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, तो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा. सो नाउ ये ब्लाइंड स्पॉट होता कहाँ है? सो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो रीजन होता है ऑफ द रेटिना. तो मतलब कहाँ ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है? आपके रेटिना पे होता है. रेटिना पे कहाँ? सो एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना. तो जंक्शन का मतलब होता है जहां वो दोनों मीट कर रहे हैं. कौन? ऑप्टिक नर्व और रेटिना. तो जहां पे भी ऑप्टिक नर्व और रेटिना एक दूसरे से मीट करते हैं ऑन द रेटिना, सो वो जो स्पॉट होता है उसी को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. सो एज यू कैन सी इन द इमेज, दिस इज द रेटिना. तो रेटिना और जो आपका ऑप्टिक नर्व है वो यहां से बाहर निकल रहा है, तो ऑप्टिक नर्व और रेटिना जो है वो इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. सो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है. ठीक है, अब यहां पर कोई भी अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वो क्यों नहीं दिखती है आपको? बाकी और कहीं भी रेटिना पे पूरे जगह पर इमेज फॉर्म हो तो दिखती है. सो बेसिकली क्या होता है, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है रेटिना पे, वहां पर ना ही तो रॉड सेल्स होते हैं ना ही कोन सेल्स होते हैं. मतलब कोई भी नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होता है. और क्योंकि जो भी इमेज आपके रेटिना पे फॉर्म हो रही है उसको सेंस कौन कर रहा है? वो नर्व सेल्स ही सेंस करते हैं ना, जो कोन्स और रॉड सेल्स होते हैं, और वही ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज पहुंचा रहे हैं. तो अगर कोन और रॉड सेल्स होंगे ही नहीं ब्लाइंड स्पॉट पे, तो इमेज को सेंस कौन करेगा? और जब कोई इमेज ही सेंस नहीं होगी, तो फिर वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी, तो ब्रेन कुछ इंटरप्रेट ही नहीं करेगा, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा. सो बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट पे इसलिए कोई चीज नहीं दिखती क्योंकि वहां पे कोई भी नर्व सेल्स, मतलब कोन्स और रॉड्स नहीं होते हैं जो कि इमेज को सेंस कर सकें. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एकोमोडेशन ऑफ द आई. ठीक है, अब आई का एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली आपकी आंखों में एक ही लेंस लगा हुआ है, आपको पता है, कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसको दूर का नहीं दिखता तो उसके चश्मे में कॉन्केव लेंस लगा के देते हैं, और अगर किसी को पास का नहीं दिखता तो उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा के देते हैं. ठीक है, अब जब दूर का नहीं दिख रहा तो अलग लेंस है, पास का नहीं दिख रहा तो अलग लेंस है, बट आपकी आंखों में एक ही लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है. अब वो एक ही लेंस आपको दूर का और पास का दोनों का देखने में कैसे मदद करता है? सो बेसिकली जो एबिलिटी होता है आपके आई का टू एल्टर, एल्टर मतलब चेंज करना, क्या चेंज करती है आपकी आंखें? द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस. ठीक है, तो आपकी आंखों में जो लेंस है उसके फोकल लेंथ को चेंज किया जाता है, जिससे कि आप दूर और पास दोनों का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकें. और यही जो अल्टरेशन होता है ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ योर लेंस, सो दैट यू कैन क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट
within a certain रेंज, either it a distant ऑब्जेक्ट और either it a nearby ऑब्जेक्ट. तो इसी को हम कहते हैं accommodation of the eye. Okay? Now, जो आपकी normal eye होती है, ठीक है, मतलब जो healthy eye है, वो कितना डिस्टेंस देख सकती है क्लियरली. सो अगर सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस की बात करें, जहां पर आपकी जो आई है वो क्लियरली देख सकती है और पढ़ सकती है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस आपकी आंखों से होता है 25 सेंटीमीटर का. और जो मैक्सिमम डिस्टेंस आपकी आई देख सकती है, मतलब जितना दूर तक देख सकती है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है. ओके, सो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब आप बुक पढ़ते हैं या मोबाइल देखते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा आप एक डिस्टेंस पे रख के उसको यूज करते हैं, ठीक है, आंखों के बहुत ज्यादा पास ला के यूज नहीं करते. एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्या करो, जहां पे आपको बुक दूर रखना थोड़ा, जहां पे आप रखते हो नॉर्मली पढ़ने के लिए, और देखो कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, और उसको फिर क्या करो, धीरे 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 करके अपनी आंखों के पास लेके आओ. तो जैसे जैसे आप अपनी आंखों के पास लेके आओगे उसको, तो आप देखोगे कि जो उस पर लेटर्स लिखे हुए हैं वो धीरे धीरे करके ब्लर हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा पास आता है आंखों के तो आपको कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, ठीक है. फिर वापस उसको दूर लेके जाओ, तो जब दूर लेके जाओगे तो आप देखोगे कि वापस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके आपकी आंखें उसमें जो भी लिखा हुआ है आपकी बुक में क्लियरली उसको पढ़ पा रही हैं. तो वो जो डिस्टेंस आप मेजर करोगे ना आपकी बुक और आंखों का, जहां पे कि आप क्लियरली पढ़ पा रहे हो, तो दैट डिस्टेंस इज द 25 सेंटीमीटर. और अगर आप अपनी बालकनी में खड़े हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक खेत ही खेत हैं, पहाड़ी पहाड़ हैं, तो आपकी आंखें कितना देख सकती हैं, जितना दूर तक आपको दिख रहा है आपकी आंखें वहां तक देख सकती हैं. सो जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है आई का, जो कि वो क्लियरली देख सकती है, वो 25 सेंटीमीटर है. और जो फार्देस्ट डिस्टेंस होता है आई का, जो कि वो क्लियरली देख सकती है, दैट इज द इनफाइनाइट. अब यहां पे एक चीज याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है आपकी आंखों में लेंस और रेटिना के बीच का, तो लेंस जो होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, जिससे कि जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे मीट कर सकें, और जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उसको हम रेटिना कहते हैं, स्क्रीन, ठीक है. तो इसका मतलब इमेज आपके रेटिना पे बनती है, स्क्रीन पे बनती है, और इसीलिए आप वो ऑब्जेक्ट देख पाते हो. पर आपकी आंखों में ये जो लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस है, ये तो हमेशा सेम रहता है, ठीक है. अब ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, तो अगर आपको ये रे डायग्राम याद हो, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस में हमने देखा था कि हम डिफरेंट पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, तो जो इमेज फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट की, वो भी डिफरेंट डिस्टेंस पे फॉर्म होती है फ्रॉम द लेंस. सो सपोज करो कि आपका लेंस जो है उसकी थिकनेस फिक्स्ड है, इन एवरी रे डायग्राम द थिकनेस ऑफ योर लेंस इज फिक्स्ड, ठीक है. अब यहां पे सबसे पहले वाले में जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, द ऑब्जेक्ट इज वेरी फार ऑफ, मतलब कितना दूर, समझ लो आप चांद सितारे या सूरज कुछ भी देख रहे हो, इतना दूर से कोई लाइट अगर आ रही है तो वो लाइट रेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी उसकी. तो जब पैरेलल लाइट रेज एंटर करेंगी, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू और रिफ्रेक्ट होंगी, तो दे आर गोइंग टू मीट एट दिस पॉइंट एज यू कैन सी इन द फिगर, ठीक है. अब थोड़ी देर के लिए इसको अपनी आंखें इमेजिन करो. अब इमेजिन करो कि ये आपकी आंखों का लेंस है, ठीक है, और आई एम जस्ट टेलिंग यू टू जस्ट इमेजिन, ओके. और यहां पे जो इसका फोकस है ना लेंस का, सो इस फोकस पे इमेजिन करो आपका रेटिना है, ठीक है. सो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लाइट रेज जो भी आ रही हैं दे आर मीटिंग ऑन द रेटिना. तो फिर अगर लाइट रेज रेटिना पे ही मीट कर रही हैं तो आप ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली दिखाई देगा. तो इस केस में तो आपकी लाइट रेज रेटिना पे ही मीट कर रही हैं. लेट्स सी द अनदर केस. अगर इस केस में देखोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के थोड़ा पास ले आए हैं हम लोग, तो अब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया है. तो उस केस में क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज इसके थ्रू पास कर रही हैं, अगर फोकस पे हमने रेटिना लिया है तो लाइट रेज को यहां पे मीट करना चाहिए रेटिना पे, ठीक है, बट दे आर नॉट मीटिंग हियर, दे आर मीटिंग बिहाइंड द रेटिना, ठीक है. तो अगर लाइट रेज रेटिना पे नहीं मीट कर रही हैं तो क्या इमेज जो है वो रेटिना पे फॉर्म होगी? नहीं. कहां इमेज फॉर्म होगी? बिहाइंड द रेटिना. और अगर आपके रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म हो रही है तो क्या आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, ठीक है. अगर मैं ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पास ले आती हूं लेंस के, तो आप देखो यहां पे तो जो लाइट रेज इसके थ्रू जा रही हैं वो लाइट रेज तो लेंस के बाद वो लाइट रेज तो लेंस के रिफ्रेक्शन के बाद दे आर डाइवर्जिंग, ठीक है, वो तो इस साइड मीट भी नहीं करने वाली है, तो रेटिना पे तो मीट होने का सवाल ही नहीं उठता, आपको वर्चुअली पीछे मीट करवाना पड़ रहा है. तो आपने क्या देखा कि अगर लेंस जो है
उसकी थिकनेस फिक्स रहती है, ठीक है। तो दूर का ऑब्जेक्ट का तो जो लाइट रेज आ रही हैं वो तो रेटिना पे मीट कर जा रही हैं, पर जो पास का ऑब्जेक्ट है उसमें जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के पीछे मीट कर रही हैं। तो फिर अब आपकी आंखों में जो लेंस है वो कैसे आपको दूर का और पास का दोनों का देखने में मदद करता है? तो द आंसर इज, आपका जो लेंस है आंख में वो एकोमोडेट करता है, मतलब वो चेंज करता है, ठीक है। क्या चेंज करते हैं लेंस की? यहां पर हम लेंस की थिकनेस को चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो लेंस है वो अपनी थिकनेस को चेंज करके अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर देता है, और फोकल लेंथ के चेंज होने से जो इमेज है, भले वो दूर का देख रहे हो या पास का देख रहे हो, हर बार इमेज रेटिना पे ही फॉर्म होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फोकल लेंथ? सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है, किसी भी लेंथ का फोकल लेंथ आपको क्या बताता है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द लेंस अ फोकस्ड इमेज इज क्रिएटेड। मतलब आपके लेंस से कितनी दूरी पर लेंस के द्वारा जो फोकस्ड इमेज है वो क्रिएट होती है, ठीक है, तो वो उसकी फोकल लेंथ है। सो जैसे इमेजिन करो कि ये लेंस है, ठीक है, अब इसमें जो आपको थिकनेस दिख रही है ये थिकनेस है उस लेंस की। अगर दूर से लाइट रेज आ रही है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और अगर ये पैरेलल होंगी तो ये कन्वर्ज होंगी, ठीक है, बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कन्वर्ज होके किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं? इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंस के फोकल लेंथ की बात करूं तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस? तो ये जो लेंस और इस पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक का, इसको मैं फोकल लेंथ बोल रही हूं, ठीक है। सो बेसिकली जो लेंस है अगर वो अपनी थिकनेस को चेंज कर ले, तो लेंस की थिकनेस चेंज होने से ये जो फोकल लेंथ है, मतलब ये जो डिस्टेंस है लेंस का और वो पॉइंट का जहां पे की फोकस्ड इमेज फॉर्म होती है लेंस के द्वारा, वो भी चेंज किया जा सकता है। वो कैसे होता है? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो लेंस है वो अपनी थिकनेस कैसे चेंज करता है, क्योंकि जब लेंस की थिकनेस चेंज हो रही है तभी उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो रही है ना। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपका जो चश्मे में लेंस होता है वो कांच का होता है, ठीक है, बट आपकी आंखों में कांच का लेंस नहीं हो सकता। अगर कांच का लेंस होता तो अब तक आपकी आंखें डैमेज हो चुकी होती। तो आपकी आंखों में जो लेंस होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस का होता है, सॉफ्ट होता है, और इसीलिए वो अपनी थिकनेस को चेंज कर सकता है, मोटा और पतला हो सकता है। अब इस थिकनेस को चेंज कौन करता है? सो एज यू कैन सी इन द आई डायग्राम, ये लेंस है एंड लेंस आर अटैच टू द सिलरी मसल्स, ठीक है। सो लेंस को मोटा और पतला करने का काम जो होता है वो सिलरी मसल्स का होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आप दूर का देख रहे हो या पास का देख रहे हो, सिलरी मसल्स आपके लेंस को मोटा और पतला करने में हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं? सो सपोज करो आपकी आंखें जो हैं वो दूर का ऑब्जेक्ट देख रही हैं, तो जब भी आप दूर का ऑब्जेक्ट देखोगे तो एक चीज याद रखना, तो जो लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो हमेशा क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। तो उस वक्त सपोज मून देख रहे हो आप, ठीक है, तो उस वक्त आपके लेंस की थिकनेस को कम करना है, ठीक है। लेंस की थिकनेस को क्यों कम करना है? ताकि आप उसके फोकल लेंथ को इंक्रीज कर सको। फोकल लेंथ को क्यों इंक्रीज करना है? ताकि फोकल लेंथ के इंक्रीज होने से उस लेंस के द्वारा जो इमेज है वो रेटिना पे ही फॉर्म हो। अब इस लेंस को पतला कौन करता है? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स कैसे पतला करती हैं? तो सिलरी मसल्स जब रिलैक्स्ड रहती हैं, ठीक है, तो अब यहां पे इमेजिन करो सिलरी मसल्स हैं, दे आर रिलैक्स्ड, तो जितनी रिलैक्स्ड होंगी वो उतनी सिकुड़ी हुई रहेंगी, ठीक है। तो वो जितना सिकुड़ेंगी, पीछे की तरफ जाएंगी, उतना ये जो लेंस है ये फैलेगा, एक्सपैंड होगा, और जितना ये लेंस एक्सपैंड होगा उतना ही लेंस ये पतला होगा, ठीक है। अब लेंस के पतला होने से उसकी फोकल लेंथ कैसे इंक्रीज हो जाती है, लेट मी टेल यू। एक चीज याद रखनी है अबाउट द थिकनेस ऑफ द लेंस, कि जब लेंस थिकर होता है, मोटा होता है, तो उस वक्त जो भी लाइट रेज उसके थ्रू पास कर रही हैं वो ज्यादा एंगल से बेंड करती हैं, मतलब कि जो लाइट रेज की बेंडिंग होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। अब मान लो कि ये लाइट रे है जो ये, इसको मैंने थिकर कर दिया लेंस को, और ये लाइट रेज अब इसके थ्रू पास कर रही हैं, तो जब इसके थ्रू लाइट रेज पास करेंगी तो उस केस में जो लाइट रेज हैं वो ज्यादा बेंड होंगी, तो जितनी ज्यादा बेंड होंगी, ठीक है, उतना पहले ये मीट कर जाएंगी, ओके। सो जितना जल्दी ये मीट करेंगी तो जो डिस्टेंस है लेंस
और इस पॉइंट का वो रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द लेंस और वो पॉइंट जहां पे कि वो फोकस्ड इमेज फॉर्म हो रही है, इस डिस्टेंस को ही तो हम फोकल लेंथ कह रहे हैं ना, ठीक है। तो क्योंकि लेंस थिकर है, ज्यादा बेंडिंग हो रही है लाइट की, और ज्यादा बेंडिंग होने से जो लाइट रेज हैं वो बहुत पहले ही मीट कर जाती हैं, तो बहुत पहले ही मीट करने के कारण, मतलब जल्दी मीट कर जाती हैं, उसके कारण जो डिस्टेंस होता है आपके लेंस और जो पॉइंट है जहां पे फोकस्ड इमेज फॉर्म हो रही है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो फोकल लेंथ है लेंस की वो भी कम हो जाती है। तो इसका मतलब कि जब लेंस थिकर होता है तो फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाती है। दूसरा केस देखते हैं, अगर लेंस थिनर है, ठीक है, तो उस वक्त जो लाइट रेज उसके थ्रू पास हो रही हैं वो बेंड करती हैं बहुत ही स्मॉल एंगल से, तो जितने स्मॉल एंगल से वो बेंड करेंगी वो उतना दूर जाके मीट करेंगी, क्योंकि बेंडिंग बहुत कम है तो उनको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, टू मीट एट अ पॉइंट। तो अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला जो डिस्टेंस है इसी को हम फोकल लेंथ कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे जो लाइट रेज हैं वो लेंस से दूर जाके मीट कर रही हैं, तो इसीलिए जो लेंस थिनर होता है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर जो सिलरी मसल से रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, तो जब भी आपको दूर का देखना होता है तो उस वक्त आपकी सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं, जिससे कि जो लेंस है वो थिनर हो जाए, ठीक है। अब लेंस के थिनर होने से क्या होगा, उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर फोकल लेंथ को मान लो मैं इंक्रीज नहीं करती तो क्या होगा, ठीक है। सो मान लो कि ये जो लेंस है ये अपने मीडियम थिकनेस पे है, ठीक है, इसकी थिकनेस ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, ओके। अब दूर का देखो या पास का देखो, कहीं का भी देखो, तो अगर आप दूर का देख रहे हो और लेंस की थिकनेस जो है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब लेंस पतला नहीं हो रहा, तो क्या होगा, तो दूर से तो जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल होंगी, ठीक है। अब पैरेलल लाइट रेज जब इसके थ्रू एंटर करेंगी तो ये थोड़ा मोटा है, ठीक है, अगर ये लेंस थोड़ा मोटा है तो उस मोटे लेंस में क्या होता है, थिकर लेंस में क्या होता है, लाइट की जो बेंडिंग है वो ज्यादा होती है, तो लाइट ज्यादा बेंड करेंगी, ज्यादा बेंडिंग करने से देखो वो यहीं पर आके मीट कर जा रही हैं, ठीक है। और रेटिना कहाँ है तुम्हारा, ये है रेटिना, तो अगर लाइट रेज यहां पे ही मीट कर जाती हैं और रेटिना यहां है तो आपकी जो इमेज है क्या वो रेटिना पे फॉर्म होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज रेटिना पे फॉर्म हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो लाइट रेज यहीं पर मीट कर जा रही हैं, मैं चाहती हूं कि वो लाइट रेज यहां आके मीट करें, तो ये जो पॉइंट होता है जहां पे कि फोकस्ड इमेज फॉर्म हो रही है और जो लेंस है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं फोकल लेंथ कह रही हूं, तो अभी फोकल लेंथ क्या है, देखो कम है। अगर मैं चाहती हूं कि लाइट रेज मेरे रेटिना पे मीट करें तो ये जो डिस्टेंस है लेंस और वो पॉइंट जहां पे कि फोकस्ड इमेज फॉर्म होगी लेंस के द्वारा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इस डिस्टेंस के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो रहा है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो क्योंकि मैं चाहती हूं कि लाइट रेज यहां आके मीट करें तो इसीलिए मुझे लेंस को पतला करना है, और लेंस को पतला करने के लिए मेरे सिलरी मसल्स को रिलैक्स होना पड़ेगा। सिलरी मसल्स अगर रिलैक्स हो जाएंगी तो लेंस पतला हो जाएगा, और लाइट रेज अगर दूर से आ रही हैं तो वो स्मॉल एंगल से बेंड करेंगी, स्मॉल एंगल से बेंड करेंगी तो वो दूर जाके मीट करेंगी। अब ये कहां मीट कर रही हैं, रेटिना पे। तो अब आपने क्या करा, लेंस की थिकनेस को चेंज करके उसके फोकल लेंथ को चेंज कर दिया, और फोकल लेंथ के चेंज होने के कारण जो इमेज है वो कहां बनी, रेटिना पे, और अब आप किसी भी दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो। ओके, कि जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, सिलरी मसल्स के रिलैक्स्ड होने से जो लेंस है वो पतला होता है, और लेंस के पतला होने से उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण जो इमेज है, जो फोकस्ड इमेज फॉर्म हो रही है बाय द लेंस, वो आपके रेटिना पे ही बनती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अब इमेजिन करो कि आप पास का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, ठीक है, आप कुछ पढ़ रहे हो बुक में। अब उस वक्त जो लाइट रेज हैं वो बहुत पास से आपकी आंखों में एंटर कर रही हैं, ठीक है, तो जब लाइट रेज बहुत पास से आपकी आंखों में एंटर करती हैं तो वो लाइट रेज पैरेलल नहीं होती हैं, ठीक है, वो लाइट रेज क्या हो रही होती हैं, डाइवर्ज हो रही होती हैं। सो एज यू कैन सी, मान लो ये पास का ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो अपनी आंखों से, तो देखोगे कि यहां से जो लाइट रेज एंटर कर रही है दे आर डाइवर्जिंग, ये दूर जा रही है एक दूसरे के, ठीक है। सो इनको क्या करना पड़ता है, क्योंकि लाइट रेज डाइवर्ज कर रही है जब पास के ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो उनको बहुत ज्यादा एंगल से बेंड करवाना पड़ेगा, जिससे कि
वो रेटिना पे ही मीट करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो, बहुत ज्यादा एंगल से बेंड नहीं करती हैं, मान लो वो कम एंगल से ही बेंड करती हैं, तो अगर कम एंगल से बेंड करेंगी लाइट रेस तो फिर वो रेटिना पे मीट नहीं करेंगी। वो कहाँ मीट करेंगी? बिहाइंड द रेटिना। वो कम एंगल से बेंड करेंगी तो वो ऐसे सीधी सीधी आएंगी यहां पे, ये यहां से सीधी सीधी आएगी यहां पे, और वो मीट करेगी बिहाइंड द रेटिना। तो अगर बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म हो रही है तो भी आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो रही है तो भी नहीं दिखता, रेटिना के बाद इमेज फॉर्म हो रही है तो भी नहीं दिखता। तो एग्जैक्टली रेटिना पे ही इमेज फॉर्म हो, इसके लिए ही लेंस को अपनी थिकनेस चेंज करनी पड़ती है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, क्योंकि जो लाइट रेज हैं वो बहुत पास से आ रही हैं, तो इसीलिए उनको ज्यादा बेंड करवाना पड़ेगा। अब ज्यादा बेंड करवाने के लिए मैंने क्या बताया था, लेंस को क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेंस को मोटा करने के लिए जो आपके सिलरी मसल्स हैं उनको फैलना पड़ेगा। तो जैसे ही सिलरी मसल्स फैलेंगी, ठीक है, एक्सपैंड करेंगी, तो जो लेंस है वो सिकुड़ेगा, क्योंकि लेंस दबेगा उनके बीच में, तो वो सिकुड़ेगा। ठीक है, तो जितना वो सिकुड़ेगा वो क्या होगा, थिकर होता जाएगा। तो लेंस थिकर हो जाता है जब आपको पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है, क्योंकि उस वक्त आपकी सिलरी मसल्स एक्सपैंड करती हैं। अब जो पास से लाइट रेज जा रही हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं, वो फैलती हैं हमेशा, दे आर नॉट पैरेलल, तो इसीलिए उनको ज्यादा एंगल से बेंड करवाना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं कराओगे तो इमेज आपके रेटिना के पीछे बनेगी। ठीक है, अब इस केस में क्या कर रहे हो, अगर ये ज्यादा बेंड नहीं करती हैं, ये अपने नॉर्मल थिकनेस में ही रहता, ठीक है, सो इमेज कहां बनती, यहां पर बनती, तो फोकल लेंथ बढ़ गई ना यहां पर। देखो यहां पर अगर इमेज बन रही है तो जो डिस्टेंस है बिटवीन द फोकस्ड इमेज और लेंस वो इंक्रीज हो गया, तो फोकल लेंथ बढ़ गई। बट अगर आप चाहते हो कि इमेज रेटिना पे बने तो आपको ये लेंथ जो है इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, यहां पे रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को रिड्यूस करने के लिए आपको जो लेंस है उसको थिकर करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा। तो अब आपने लेंस को थिकर कर दिया, तो नाउ जो लाइट रेज इसके थ्रू पास होंगी वो ज्यादा एंगल से बेंड करेंगी, और ज्यादा एंगल से बेंड करेंगी तो वो आपके रेटिना पे ही मीट कर जाएंगी, उनको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इन दिस वे जब आपको पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो सिलरी मसल्स एक्सपैंड करती हैं, लेंस थिकर होता है, फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जिंग पावर होता है आपके लेंस का वो इंक्रीज हो गया। कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या है, कन्वर्ज करवाना मतलब मीट करवाना। ठीक है, तो अब लाइट रेज अगर बहुत पास से आ रही हैं और दोनों ऐसे फैल रही हैं, दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, तो उनको मीट करवाने के लिए तो बहुत ज्यादा बेंडिंग करनी पड़ेगी उनकी। तो इसीलिए जो कन्वर्जिंग पावर है लेंस का उसको इंक्रीज करना पड़ता है, और उसको इंक्रीज करने के लिए लेंस को थिकर करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि जो पास का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो उसकी फोकस्ड इमेज आपके रेटिना पे फॉर्म हो पाए। ठीक है, तो पहली चीज कि जब दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लाइट रेज पैरेलल होती हैं, वो कम एंगल से बेंड करेंगी तभी जाके वो रेटिना पे मीट करेंगी, तो इसीलिए लेंस को थिनर होना पड़ता है। और पास से जब लाइट रेज पास का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो लाइट रेज जो होती हैं वो डाइवर्ज होके एंटर हो रही होती हैं आपकी आंखों में, तो उनको ज्यादा एंगल से बेंड करना होता है जिससे कि वो रेटिना पे मीट कर पाए, तो इसीलिए वहां पे लेंस को थिकर होना पड़ता है। तो जब लेंस थिनर होता है तो फोकल लेंथ बढ़ा रहे हो आप, और जब लेंस थिकर होता है तो फोकल लेंथ घटा रहे हो आप। नाउ द नेक्स्ट इज कि जो एक्शन होता है सिलरी मसल्स का नॉर्मल आई में वो बंद हो जाता है जब ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था ना कि सबसे पास का मिनिमम डिस्टेंस जिसपे कि आपकी आंखें क्लियरली देख सकती हैं वो कौन सा डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। उसके पास लाते हो तो ब्लर होने लग रही हैं चीजें, क्यों, क्योंकि जो सिलरी मसल्स है वो इससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं कर सकती, और इसके कारण क्या होता है कि जो लेंस है वो और थिकर नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब बहुत पास से अगर लाइट रेज एंटर हो रही हैं तो उनको और ज्यादा एंगल से बेंड करवाना पड़ेगा जिससे कि वो रेटिना पे मीट कर सकें। बट अब वहां पर जो लेंस है वो इससे ज्यादा मोटा नहीं हो पा रहा, इसीलिए जो लाइट रेज हैं अगर आप आंखों के पास बहुत लेके आ रहे हो तो जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे नहीं मीट हो पाती हैं, दे मीट बिहाइंड द रेटिना, और इसीलिए वो क्लियर इमेज आपको उस ऑब्जेक्ट की दिखाई नहीं देती है, या जो पढ़ना चाहते हो वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हो। इसीलिए जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है जो कि आपकी आंखें क्लियरली देख सकती हैं और पढ़ सकती हैं, दैट इज द 25 सेंटीमीटर। और ये जो लीस्ट डिस्टेंस होता है एट विच द आई कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसी को हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो अगर कोई पूछता है कि आपके नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या है, तो अगर आई हेल्दी है, नॉर्मल है, तो उसके लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर,
और जो फार पॉइंट होता है आई का, वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जो कि एक आंख क्लियरली देख सकती है। तो कहां तक देख सकते हो? जहां तक आपको दिख रहा है वहां तक देख सकते हो। तो कितना दिख रहा है? इन्फिनिटी तक, ठीक है। अगर बिल्डिंग विल्डिंग नहीं आए तो मैं तो देखती रहूंगी दूर दूर तक। तो इन्फिनिटी इज द फार्देस्ट पॉइंट ऑफ द आई और 25 सेंटीमीटर इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई। और यही जो एबिलिटी होता है आपकी आंखों का टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस by making it thinner or thicker with the help of the ciliary muscles so that you can see the distant and the nearby object, this is only called the accommodation of the eye. So I hope aapko clear ho gaya hoga. Agar koi bhi doubt hai is topic mein, to you can ask me in the comment section, and in the next video I'm going to discuss the defects of vision.